राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे का दूसरा दिन आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। पुलिस प्रशासन ने मुकम्मल की तैयारी, मंत्रोच्चार के बीच आज गंगा में विसर्जित होंगी बाबूजी की अस्थियां। राजस्थान में 2 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज जा चुकी है लगाई। गहलोत ने कहा, महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए हम सभी को रहना है मुस्तैद। कानपुर में हाईकोर्ट के आदेश पर खुली गई जेड स्पर शॉपिंग मॉल की सील, 15 दिन में करना होगा बकाया भुगतान। अयोध्या में राष्ट्रपति कोविंद के दौरे से पहले आज से राम मंदिर भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक, समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे। कांग्रेस कमेटी की कलह, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के दरबार में पहुंची, कलह सुलझाएंगे लल्लू, श्रीश चंद्र दुबे को निलंबित करने का मामला है गरमाया। शाहजहांपुर में सरकारी नौकरी में आरक्षण दिलाने की मांग, सपा दिव्यांग सभा ने किया प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, नेताओं के खिलाफ सीबीआई मामलों के लिए विशेष अदालतें गठित करे हाईकोर्ट। भागलपुर में सुबह से हो रही बूंदाबांदी, आकाश में छाए रहेंगे बादल, मौसम का ये हाल पूरे दिन रहेगा। यूपी में हफ्ते भर के भीतर कॉलेज व स्कूलों में लगाए जाएंगे टीकाकरण शिविर, सभी सीएमओ को भेजा गया पत्र। हरीश रावत ने चुनावी मौसम में लगाई वादों की झंडी, कहा सरकार आने पर 200 यूनिट बिजली फ्री, घोषणा पत्र बना अभी बाकी। प्रतापगढ़ में 60,000 लोगों को लगाया जाएगा कोरोना को मात देने वाले वैक्सीन का टीका, कई कोटेदारों को सौंपी गई जिम्मेदारी। पंजाब कांग्रेस में फिर हुआ घमासान, सिद्धू खेमे को झटका, कैप्टन के डिनर पर पास हुआ प्रस्ताव। प्रतापगढ़ में ग्रामीण विकास विभाग के कार्य में देरी पर भड़के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह, समीक्षा बैठकों में अफसरों पर लगाई फटकार। एपीएस 2013 की सीबीआई जांच पर अड़े अभ्यर्थी, मुख्यमंत्री व सीबीआई चीफ को लिखा पत्र, अभ्यर्थियों की नाराजगी नहीं थमी। परिषदीय शिक्षकों को जनपद के अंदर मिलेगा ट्रांसफर का मौका, जिन स्कूलों में पद रिक्त पहले वहां मिलेगा आवेदन का मौका। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने वार्ड के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण, लोकनायक में 15 अक्टूबर तक तैयार होगा 100 से अधिक बेड का जच्चा वार्ड। अफगानिस्तान से आतंकी घुसपैठ रोकने के लिए मध्य एशिया में अपने ठिकानों को मजबूत कर रहा है रूस, ताकि देश की सीमा के पास नए सिरे से आतंक को फैलने से रोका जा सके। सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां हुई शुरू, गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, राजनाथ सिंह होंगे शामिल। कृषि आंदोलन के विरोध में चल रहे धरने के 9 महीने पूरे होने पर कुंडली बॉर्डर पर शुरू हुआ 2 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।